ਸਕੈਂਡਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ Hey, what's up with Gaurav? Back with a vlog. And guys, we are going to Jabli today. और अभी जो है 7 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं जाबली के लिए. जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से अराउंड 2-2.5 hours का रास्ता है. तो अराउंड 10 o'clock तक हमें पहुँच जाना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सीन रहता है घूमने फिरने का. सो लेट्स जस्ट गो. Do you really like this style? This is something I need, but this is something I want. I can understand. You can, but the one who is wearing really, really awkward. Okay. I know, but it's okay. मैं अभी recently एक road trip पे गया था. हिमाचल में धर्मशाला मैक्लोडगंज. अच्छा. मैं लिफ्ट में था. अब जैसे इसने बताया ना कि एकदम से कोई चीज हो जाता है कैसे इंसान डर जाता है. मैं लेफ्ट में था, एकदम से हुआ मैं राइट में. सामने से ट्रक आया, मैं डर गया भाई. जो पहाड़ी इलाके में तो वैसे ही डर लगता है यार कि ट्रक तो पे आती है. प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे, अगर आप अपने लेफ्ट की तरफ लेफ्ट में नहीं जा रहे हो तो गड़बड़ है. ओवरटेक कम करो. प्रोग्राम क्या है? आप हम मूवी देखने जा सकते हैं आज, या हमें आगे की तरफ बढ़ना है हिमाचल में? आगे की तरफ ही बढ़ते हैं. आगे की तरफ बताओ किस तरफ जाना है. विल आपको डिसाइड. दोनों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं यार. ये तो उन आंसर ही नहीं है. वी वांट चलो आगे चल लेते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. मूवी तो यहां पे भी देख सकते हैं. एलडे ग्राउंड है ना, 13 मिनट्स और सो जहां जरूरत पर टीवी से काफी बैठ के चाय पी रहे होगा. सही. विल गो फॉर अ टी ना. या श्योर. चाय का अपना ही मजा है भाई. सिंपल सी बात है, चाय कॉफी और ढाबे की चाय का तो और ढाबे की चाय का अलग ही मजा. उसके बाद फिर हमारे पास अपना होटल ही आएगा. होटल का व्यू बहुत अच्छा है. मैं वहाँ पे रुक चुका हूँ पहले. मैं ये कहीं एडवर्टीजमेंट या कुछ और नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ रादर, बट नो पेड प्रमोशन. नो पेड प्रमोशन एट ऑल. तो वहाँ का लेकिन व्यू बहुत अच्छा है. जो रूम मैंने उसको बुक करने की बात की है, उनको बोला है कि सामने से पूरा व्यू दिखे सड़क का. वहाँ पे मैकडी है, वहाँ पे आई बिलीव चावलाज है, आई डोंट नो सागर रत्ना या कुछ ऐसा ही एक और चेन है, साउथ साउथ इंडियन चेन. और खाने वाने की मतलब जितने भी फूड कोर्ट टाइप्स है ना, एक मॉल में अच्छे मॉल में होता है पूरा वो फूड कोर्ट, बहुत दबा के उसमें बढ़िया है. खाने वाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है वहाँ पे. सेवॉय ग्रीन्स कराया ना. सेवॉय ग्रीन्स अपनी ब्रेकफास्ट फैसिलिटी है बट उतनी बढ़िया नहीं है, बिकॉज मैंने जब लास्ट टाइम सैंडविचेस खाए थे मुझे अच्छे नहीं लगे. मुझे उनकी चाय भी अच्छी नहीं लगी थी टू बी ऑनेस्ट. बट कोई ऑप्शन नहीं होती जब रात के 10 बजे सब किचन बाकी बंद हो जाते हैं. इनकी शायद अकेलों की किचन खुली होती है. पिज़्ज़ा हट नहीं है, डोमिनोज है. रीज़न वाई वाज सेइंग कि वो रास्ता ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक मिल रहा ना हमें, ये नहीं मिलता था. जो है पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं. अब हमारा जो है स्लाइटली चेंज ऑफ प्लान होने वाला है. हम मोस्ट प्रोबेबली शिमला भी जाने वाले हैं, बट सबसे पहले जो है हम जाबली रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए एक बार. हाय गाइस, वी आर हियर स्टार्टिंग आवर व्लॉग. वी आर एट द गैस स्टेशन एंड ट्राइंग टू फिल द एयर. साउथ दिल्ली व्लॉग थोड़ी भैया. किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी मुझसे भी मैं मिला नहीं, एक किला तो है मैं खफा नहीं. शहर
कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों में जाम में खड़ा? बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। आपने पूछा, उससे आत्मा फिर भी तृप्त हो गई है। अगर कोई भी ना पूछता ना तो बहुत दुख लगता ज्यादा। आगे देखो किस तरफ, इतने अच्छे पहाड़ों के बीच में ये गाड़ियां लेके लोग क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? हम लेके क्यों आए हैं? हम तो घूमने आए हैं। तो फिर वो लोग क्या घूमने आए हैं? रुके आगे जाए। सीएम कॉन्टेक्स्ट से कोई गलत दस्त है, बहुत गलत रही है। उन्होंने तो कपिल शर्मा खुद बोले ही नहीं, कहना कपिल शर्मा ने कहना मैं एक बार कहना किसी अपने जूनियर के घर चला गया, कहना बैठे गल्ला बातें मार लिया, कहते अद्धा पौना घंटा हो गया भी, अद्धा पौना घंटा ज्यादा हो गया है ना। वडारी ब्रदर्स कहना कहना मैनू कहना ओदी, फिर जब कहना मैं उठ के पौने घंटे बाद जान लगे ना, कहना वापस घर आन लगे उन्होंने घरों उठ के, कहना वो आ जाती है तो पूछती है कि गुरु जी चाह नहीं पीओगे? कहना बेटा गल सुनो, कहना मैं ओदी वाइफ नू बुलाया, कहना बेटा गल सुनो, कहना थोड़े घर चाह कहना गैस्ट आप आके बनाने, कहना पौना घंटा तो हो गया, हूँ मैनू पूछ रहे हो चाह पीनी कि नहीं पीनी। अगर हम पहुंच चुके हैं सेवॉय ग्रीन्स में, हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको चावलको और मैकडॉनल्ड्स भी मिलता है। अंदर जाके देखते हैं कि और क्या रेस्टोरेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ भी कहो, मजा आया। मजा तो आया। So guys, we have finally reached Shimla और अब आगे देखते हैं कि क्या करना है यहाँ पे, क्या सीन रहेगा। So guys, इस टाइम जो है माल रोड पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का पूरा जो सीन रह रहा है। गर्मी है थोड़ी बहुत है, लेकिन अराउंड 11-12 डिग्री है तो काफ़ी तेज़ है, तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है। बाकी मैं आपको जो है एरिया पीछे का दिखाता हूँ कि किस तरह से पूरा रश हो रखा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे भीड़ है और हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा जो है लोग हो रखे हैं, बट सही है, काफ़ी लोगों ने जो है मास्क वगैरह भी लगाया हुआ है। सो अगर आप अभी घूमने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं शिमला। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ है। स्टेट लाइब्रेरी शिमला जो है जुम्मा कुछ तो आप देख सकते हैं, ये पूरी लाइब्रेरी है और पीछे चर्च भी यहाँ पर है। सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके, सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके, जब समय पर लगेंगे दोनों टीके। सर यहाँ पे घूमते हुए अराउंड आधा घंटा हो गया और वो भूख भी लग रही है, तो देखते हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या मिलने वाला है। और तीन कॉफी, तीन कॉफी दो फ्रेटी दो। कैसा लग रहा है मोमोज लेके? आइसक्रीम भी खानी है। यहाँ पे जो है मैंने एक आलू पैटी ले लिया और ये एक्चुअली में काफी अच्छी है। सो गाइस खाना पीना हो चुका है और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पे सही व्यूज है। यहाँ पे थोड़े बहुत होटल और घर भी बने हुए हैं, लेकिन जो पीछे का माउंटेन का व्यू है, जो बादल बादल रखे हैं, काफी ज्यादा सही लग रहा है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पूरी की पूरी यहाँ पे मार्केट और आपको जो है यहाँ पर इंडिया का फ्लैग और पीछे जो आपको हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है रश है, अगर मैं आपको नीचे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट है। और मज़े की बात यह कि सारी की सारी जो मार्केट है वो खुली हुई है और पूरी जो है पूरे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आ रखे हैं। इन्हें पूछे नहीं पूछे भी, उसे पॉइंट है स्कैंडल पॉइंट का मतलब
सजा कट के फिर कसौली अपने घर जाने। सो गाइस दिस इज डेविकोस रेस्टोरेंट और यहाँ पे जाके अब क्योंकि दोपहर है, अब लंच का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया, तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या मिलेगा और कैसा इसका मेन्यू रहता है। तो गाइस यहाँ आ चुका है हमारा खाना, हमने जो है दाल मखनी ले ली है, कढ़ाई पनीर ले लिया है, साथ में हमने जो है तंदूरी रोटी ले ली है और साथ में जो है हमने मोजीटो भी लिया है। तो इसको जो है इंजॉय करते हैं एंड देन सी कि आगे का क्या प्लान है हमारा पूरा रहता है। सर शिमला में जो है काफ़ी ज़्यादा रश था, तो उसकी वजह से हम कहीं अच्छी तरह जा भी नहीं पाए, सो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू जाबली और वहीं पे हम स्टे करेंगे एंड देन से कि नेक्स्ट डे जो है हमें क्या करना है।